1945 में टाटा कंपनी देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में शामिल हुई और शुरू से ही देश की जनता की चहेती रही। 1994 में टाटा द्वारा लॉन्च सुमो देश की एसयूवी क्लास में महिंद्रा की बुलेरो को सीधी टक्कर देती थी। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर है कि टाटा एसयूवी सुमो को नए और बेहतरीन फीचर्स के साथ फिर से भारतीय मार्केट में उतारा जा रहा है। इस वीडियो में हम टाटा सुमो के न्यू लुक को देखेंगे, प्राइस और फीचर्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। महिंद्रा की बुलेरो जैसे कार जिसका मुकाबला करने में नाकाम साबित हुई, अब उसी टाटा सुमो को भारतीय सड़कों पर जल्दी ही बेहतरीन लुक्स के साथ और इंजन के साथ दौड़ता हुआ देखेंगे। और ये खबर मिल रही है कि नए सुमो में पेट्रोल हाइब्रिड इंजन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और कंपनी इसे कई वेरिएंट में लॉन्च करेगी। आपको बता दें कि नई सुमो में दमदार इंजन डाला जाएगा जो कि 140 bph की पावर जनरेट करेगा और इसकी माइलेज भी कंपनी द्वारा 20 लाख प्लस होने की उम्मीद है। और सोर्सेस से यह भी पता चलता है कि नई अवतार वाली सुमो को डीजल और पेट्रोल दो वेरिएंट में ही देखा जा सकता है। आपको बता दें कि पहले लॉन्च की गई सुमो की प्राइस 7.28 लाख से 8.68 लाख के बीच में थी, लेकिन नई सुमो की प्राइस रिलेटेड टाटा ने कोई पुष्टि नहीं करी। फिर भी प्रेजेंट मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसकी प्राइस लगभग 10 लाख से 15 लाख के बीच होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पहले सुमो भारतीय मार्केट से क्यों गायब हो गई, उसके दो कारण बताए जाते हैं। एक तो सुमो नए IAS 145 सुरक्षा नियमों पर खड़ा नहीं उतर पाई, और दूसरा कि ये गाड़ी भारतीय न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम में खरा नहीं उतर पाई, इसलिए भारतीय सरकार द्वारा निकाले इन नियमों का पालन करते इसकी प्रोडक्शन को रोक दिया गया। पर इस बार टाटा कंपनी इन सब नियमों को ध्यान में रखकर नए सुमो को डिजाइन कर रही है और आने वाले ऑटो एक्सपो में नई सुमो को पेश करने की उम्मीद की जा रही है। इस खबर के बारे में आपका क्या सोच है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।